गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल वाला मैं फटाफट से रिवाइज कर लेती हूँ। कल क्या पढ़ा था अपन ने? ऊष्मा गतिकी प्रक्रमों के बारे में पढ़ा था, जिसमें पहला था समतापीय प्रक्रम। जिसमें क्या था पहला? समतापीय प्रक्रम, यानी कि dT बराबर 0 था और T1 बराबर क्या था? T2। और आदर्श गैसों के समतापीय प्रक्रमों की आंतरिक ऊर्जा जो है वो स्थिर रहती है। तो dE बराबर क्या होता है? dE इज इक्वल टू 0 और E1 इज इक्वल टू क्या होगा? E2। ऐसा क्यों होता है? तो आदर्श गैसों के समतापीय आदर्श गैसों की आंतरिक ऊर्जा जो है वो केवल और केवल ताप का फलन होती है, और यहाँ ताप ही 0 है, ताप ही 0 है, तो dE क्या होगा? 0 होगा। तो ये हो गया समतापीय प्रक्रम। फिर था सम आयतनिक प्रक्रम, dV बराबर 0, dV बराबर 0 और V1 बराबर क्या था? V2 था। और सम आयतनिक प्रक्रमों की दाब आयतन कार्य क्या होता है? शून्य होता है, क्योंकि दाब आयतन कार्य क्या होता है? W बराबर क्या होता है? PdV होता है। और जब यहाँ पे dV ही 0 है तो ये क्या होगा? P भी 0 होगा, तो W क्या आया? 0। तो दाब आयतन कार्य क्या हुआ? 0। फिर था सम आयतनिक प्रक्रम, सॉरी सम दाबीय प्रक्रम, वे प्रक्रम जो इससे दाब पर संपन्न होते हैं, dP बराबर 0। dP बराबर 0 था और P1 बराबर क्या था? P2। तो ऊष्मा गतिकी में सामान्यतः सभी प्रक्रम जो है वो इससे दाब पर संपन्न होते हैं, अतः कार्य W बराबर क्या है? PdV, जहां P क्या है? स्थिर है। फिर था रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है कि ऊष्मा स्थिर रहती है, डेल क्यू क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। और रुद्धोष्म प्रक्रम में एंथैल्पी जो है वो स्थिर रहती है, अतः रुद्धोष्म प्रक्रम को क्या कहते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम को सम एंथैल्पिक प्रक्रम भी कहते हैं, सम एंथैल्पिक प्रक्रम भी कहते हैं, क्योंकि रुद्धोष्म प्रक्रम में एंथैल्पी जो है, dH जो है वो क्या है? स्थिर रहती है, dH स्थिर रहती है, तो इसे सम एंथैल्पिक प्रक्रम भी कहते हैं। फिर था चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम क्या था? कि दो से अधिक पदों में संपन्न होने वाले वे प्रक्रम जो अपनी मूल अवस्था में लौट आते हैं, वो था चक्रीय प्रक्रम, ठीक है। फिर चक्रीय प्रक्रम हो गया, फिर उसके बाद में था उत्क्रमणीय प्रक्रम और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम वे होते हैं, वे प्रक्रम जो परिपार्श्वों में स्थायी परिवर्तन कर अवस्था बदलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। उन्हें कहते हैं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, क्योंकि वे अपनी मूल अवस्था में नहीं लौट पाते हैं, फिर उसके बाद था उत्क्रमणीय प्रक्रम। तो अति सूक्ष्म रूप में संपन्न होने वाले वे प्रक्रम, जो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के मध्य साम्य में रहते हैं, और परिपार्श्व में परिवर्तन किए बिना ही अपनी मूल अवस्था में लौट आते हैं, वो कहलाते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम, ठीक है। और प्रकृति में उत्क्रमणीय प्रक्रम संभव नहीं है, प्राकृतिक रूप से उत्क्रमणीय प्रक्रम संभव नहीं है, और प्रकृति में होने वाले सभी प्रक्रम क्या होते हैं? अनुत्क्रमणीय। ये हो गया उत्क्रमणीय प्रक्रम और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। फिर अपन ने स्टार्ट किया था आंतरिक ऊर्जा, ठीक है। आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? आंतरिक ऊर्जा में अपन ने थोड़ा बहुत कल पढ़ लिया था, स्टार्ट कर ली थी आंतरिक ऊर्जा। तो आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? कि निकाय की सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। जैसे घूर्णन ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, बंद ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा,
कंपन ऊर्जा, कंपन ऊर्जा आदि, ठीक है। फिर आंतरिक ऊर्जा जो है वो अवस्था फलन चर है। ये अपने अवस्था फलन चरों के उदाहरण में पढ़ा था, अवस्था फलन चरों के उदाहरण में आंतरिक ऊर्जा को लिया था। अतः आंतरिक ऊर्जा क्या है? एक अवस्था फलन चर है, तो इसका पूर्ण अवकलन हम कर सकते हैं, इसका पूर्ण अवकलन किया जा सकता है। आंतरिक ऊर्जा का पूर्ण अवकलन किया जा सकता है, अतः इसे डीई या डेल्टा ई के रूप में दर्शाते हैं। डीई अगर सूक्ष्म परिवर्तन है तो डीई, और विशाल परिवर्तन है तो डेल्टा ई के रूप में दर्शा सकते हैं, डीई या डेल्टा ई, ठीक है, डीई या डेल्टा ई के रूप में दर्शा सकते हैं। फिर आंतरिक ऊर्जा के मात्रक के बारे में पढ़ा था अपन ने, सीजीएस में तो था, और एमकेएस में जूल, और एसआई पद्धति में क्या था आंतरिक ऊर्जा का मात्रक? न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर था। अब एक न्यूटन इंटू मीटर किसके बराबर होता है? एक न्यूटन इंटू मीटर एक जूल के बराबर होता है, एक जूल के बराबर होता है, और एक जूल जो है वो 10^7 अर्ब के बराबर होता है। एक जूल 10^7 अर्ब के बराबर होता है, और एक कैलोरी जो है वो, एक कैलोरी बराबर कितने जूल होता है? एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है, 4.18 जूल होता है। तो इनमें से सबसे बड़ा मात्रक कौन सा हुआ? एक कैलोरी हुआ। इन सब में सबसे बड़ा मात्रक एक कैलोरी हुआ, जो 4.18 जूल के बराबर है। फिर दूसरा बड़ा मात्रक हुआ जूल, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है अर्ग, जो एक जूल किसके बराबर होता है? 10^7 अर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक कैलोरी, उसके बाद में एक जूल, ठीक है, उसके बाद में छोटा छोटा है एक अर्ग, सबसे छोटा मात्रक है इन तीनों में से एक अर्ग, ठीक है। ये हो गया आंतरिक ऊर्जा के मान। फिर अब आंतरिक ऊर्जा को मापा जाना संभव नहीं है, आंतरिक ऊर्जा को मापा जाना संभव नहीं है, अतः इसे आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के रूप में दर्शाया जाता है। आंतरिक ऊर्जा को परिवर्तन के रूप में दर्शाया जाता है, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा को डायरेक्ट मापा जाना संभव नहीं है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जो है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ऊष्मा गति की चरों में परिवर्तन के आधार पर दर्शाया जाता है। ऊष्मा गति की चरों में, आवाज आ रही है आप सबको मेरी? आ रही है आवाज? ओके, दीपिका आ रही है आवाज? ठीक है। ऊष्मा गति की चरों में परिवर्तन के आधार पर दर्शाया जाता है। क्या है? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जो है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ऊष्मा गति की चरों में परिवर्तन के आधार पर दर्शाया जाता है, परिवर्तन के आधार पर दर्शाया जाता है, ठीक है। तो
अब किसी निकाय की या आंतरिक प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा जो है प्रारंभिक आंतरिक किसी निकाय की प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा बराबर E1। माना किसी निकाय की प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा क्या है E1, और अंतिम आंतरिक ऊर्जा अंतिम आंतरिक ऊर्जा इज इक्वल टू E2। ठीक है, अब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, ये लाइन क्या बोल रही है कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ऊष्मा गति की चरों में परिवर्तन के आधार पर दर्शाया जाता है। तो ऊष्मा गति की चरों में परिवर्तन, ऊष्मा गति की चरों में परिवर्तन ऊष्मा गति की चरों में ऊष्मा गति की चरों में परिवर्तन T1 से T2 में हो रहा है, T1 से T2 में हो रहा है। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन DE is equal to E2 minus E1। ठीक है, ये हो गया आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। अब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के चिन्ह कैसे दर्शाते हैं, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के चिन्ह, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के चिन्ह, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के चिन्ह, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के चिन्ह किस तरह से दर्शाते हैं। तो ये कोई निकाय है, ठीक है, निकाय ये क्या है, एक निकाय है। अब ये इसको ऊर्जा दी जा रही है निकाय को, एक मिनट, ये निकाय को ऊष्मा दी जा रही है, ये निकाय से ऊष्मा निकल रही है, ठीक है। तो ऊर्जा, ये निकाय को ऊर्जा दी जा रही है और ये ऊर्जा यहां से निकल रही है, निकाय से निष्कासित हो रही है। तो ये प्लस क्यू हो, सॉरी, ऊर्जा है प्लस ई हो गया और ये हो जाएगा माइनस ई, ठीक है, माइनस ई। ये एक निकाय है, यहां से निकाय को क्या ऊर्जा दी जा रही है और यहां से निकाय से ऊर्जा निष्कासित हो रही है, ठीक है। तो निकाय को दी गई ऊर्जा, जब निकाय को ऊर्जा देंगे तो निकाय की ऊर्जा में वृद्धि होगी, और निकाय की ऊर्जा वृद्धि होगी तो निकाय को दी गई ऊर्जा, निकाय को दी गई ऊर्जा, निकाय को दी गई ऊर्जा इज इक्वल टू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। निकाय को दी गई ऊर्जा, तो जब निकाय को अपन ऊर्जा देते हैं तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो रही है तो वो पॉजिटिव होगी, और यहां से निकाय से ऊर्जा निकल रही है, निष्कासित हो रही है, तो निकाय निष्कासित ऊर्जा होगी, ये निष्कासित ऊर्जा, निष्कासित ऊर्जा क्या होगी, नेगेटिव होगी, निष्कासित ऊर्जा क्या होगी, नेगेटिव होगी। निकाय को जब ऊष्मा दी जा रही है, निकाय को दी गई ऊष्मा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि जब निकाय को ऊष्मा दी जाती है तो उसकी उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो रही है और यहां से ऊष्मा निकल रही है, निष्कासित हो रही है, तो इसका मतलब निकाय की ऊष्मा में कमी हो रही है, तो ये नेगेटिव होगा, निष्कासित ऊर्जा नेगेटिव होगी। अब डेल्टा ई बराबर E2 minus E1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसके लिए डेल्टा ई बराबर E2 minus E1 क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अब
यहाँ पे ऊर्जा का क्या हो रहा है? अवशोषण हो रहा है, ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। तो इस साइड अपन लिख लेते हैं अवशोषण, इधर अवशोषण, और इस साइड क्या हो रहा है? ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। तो ये हो गया उत्सर्जन, ये हो गया उत्सर्जन। एक मिनट, दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं वापस से लिख रही हूं। इधर होगा उत्सर्जन, ठीक है, और इधर होगा अवशोषण, अवशोषण। अब ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, तो क्या होगी, कौन सी प्रक्रिया होगी? ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी, और इधर ऊष्मा का, सॉरी ऊष्मा क्या, ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। यहाँ ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है तो ऊष्मा शोषी, और यहाँ ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है तो ऊष्मा शेपी, ठीक है, ऊष्मा शेपी। यहाँ पर निकाय की ऊर्जा में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। निकाय की ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, निकाय की ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। इधर निकाय की ऊर्जा में, निकाय की ऊर्जा में कमी हो रही है, क्या हो रही है? कमी हो रही है, क्या, क्योंकि यहां से ऊर्जा निष्कासित हो रही है, तो निकाय की ऊर्जा में कमी, और यहां पर निकाय को ऊष्मा दी जा रही है, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, तो यहाँ निकाय की ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी, ठीक है। ये हो गए ऊष्मा गति की, सॉरी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के चिन्ह, ये हो गए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के चिन्ह। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है ऊष्मा, ऊष्मा, ऊष्मा। मैंने ऊष्मा गति की जब स्टार्ट करी थी तब ऊष्मा की मैंने डेफिनेशन बताई थी, है ना, ऊष्मा गति की जब स्टार्ट करी थी तो मैंने बोला था ऊष्मा गति की में पहला शब्द ही ऊष्मा आता है, तो उसका मतलब क्या है ऊष्मा का, ऊष्मा किसे कहते हैं? तो ऊष्मा जब दो अलग अलग ताप की वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती है तो ऊर्जा जो है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। T2 उच्च ताप है, T1 की ओर प्रवाहित होती है। ये उच्च ताप, ये निम्न ताप, ठीक है। तो ऊर्जा के इसी रूप को ही क्या बोलते हैं? ऊष्मा बोलते हैं, यही है ऊष्मा, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहना। जब ऊर्जा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है तो ऊर्जा के इसी रूप को ही क्या कहते हैं? ऊष्मा कहा जाता है। तो ऊष्मा जो है यह ऊर्जा का ही एक रूप है, यह ऊर्जा का ही एक रूप है, यह ऊर्जा का ही एक रूप है जो तापांतर के कारण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, जो जो तापांतर के कारण, तापांतर के कारण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, निम्न ताप की ओर, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊर्जा के प्रवाह के रूप में दर्शाया जाता है, ऊर्जा के प्रवाह के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है। ऊष्मा क्या है? यह ऊर्जा का ही एक रूप है जो तापांतर के कारण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर
उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊर्जा के प्रवाह के रूप में दर्शाया जाता है। ऊर्जा के प्रवाह के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है, दर्शाया जाता है। अब उच्च ताप T2 से निम्न ताप T1 की ओर ऊर्जा के प्रवाह के रूप में दर्शाया जाता है ऊष्मा को। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका कि ऊष्मा जो है वो ऊर्जा का क्या है, अव्यवस्थित रूप है। ऊष्मा ऊर्जा का अव्यवस्थित रूप है। एक मिनट, ऊष्मा ऊर्जा का अव्यवस्थित रूप है जो सभी दिशाओं में अबाधित रूप से, यानी कि बिना किसी बाधा से प्रवाहित होता है। ऊष्मा ऊर्जा का अव्यवस्थित रूप है जो सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में अबाधित, यानी कि बिना किसी बाधा से अबाधित रूप से प्रवाहित होता है, अबाधित रूप से प्रवाहित होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसे ऊष्मा को आंशिक रूप से कार्य में भी परिवर्तित किया जा सकता है। ऊष्मा को आंशिक रूप से कार्य में परिवर्तित परिवर्तित किया जा सकता है। क्या? ऊष्मा को आंशिक रूप से कार्य में भी परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ऊष्मा जो है, ऊष्मा पथ फलन चर है। पथ फलन चरों के उदाहरण में अपन ने ऊष्मा का उदाहरण लिया था, पथ फलन चरों के उदाहरण में, ठीक है। तो ऊष्मा जो है वो एक पथ फलन चर है। ऊष्मा एक पथ फलन चर है। ऊष्मा एक पथ फलन चर है, अतः इसका पूर्ण अवकलन संभव नहीं है। अतः इसे डेल क्यू के रूप में दर्शा सकते हैं। ऊष्मा एक पथ फलन चर है जो प्रक्रम के पथ पर निर्भर करता है। प्रक्रम के पथ पर निर्भर करता है। ऊष्मा एक पथ फलन चर है जो प्रक्रम के पथ पर निर्भर करता है, अवस्था पर नहीं। पथ फलन चर क्या थे? वे ऊष्मा गतिकी चर जिनका मान निकाय परिवर्तन के पथ पर निर्भर करता था, अवस्था पर नहीं, निकाय की अवस्था पर नहीं। तो प्रक्रम के पथ पर निर्भर करता है, अवस्था पर नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अब ये एक पथ फलन चर है तो इसका पथ फलन चरों का पूर्ण अवकलन नहीं किया जा सकता है, तो ऊष्मा का भी पूर्ण अवकलन नहीं होगा। तो यथार्थ अवकलन संभव नहीं है। अतः इसे अतः इसे डेल क्यू के रूप में
रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, अतः इसे डेल क्यू के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, अब डेल क्यू के रूप में दर्शाते हैं। अब ऊष्मा के मात्रक, ऊष्मा के वही मात्रक है जो आंतरिक ऊर्जा के मात्रक थे। ऊष्मा के वही मात्रक है जो आंतरिक ऊर्जा के मात्रक थे। ऊष्मा के मात्रक, मात्रक क्या है ऊष्मा के? वही जो ऊष्मा ऊर्जा के मात्रक थे सीजीएस में और एमकेएस में, एमकेएस पद्धति में जूल और एसआई पद्धति में न्यूटन इनटू मीटर। ठीक है, ये ही है ऊष्मा के मात्रक। अब यही है ऊष्मा के मात्रक। अब ऊष्मा परिवर्तन में, परिवर्तन के चिन्ह, ऊष्मा परिवर्तन के चिन्ह, ऊष्मा परिवर्तन के ऊष्मा परिवर्तन के चिन्ह या ऊष्मा के चिन्ह। ठीक है, ऊष्मा परिवर्तन के चिन्ह या ऊष्मा के चिन्ह। तो वैसे ही एक निकाय ले लिया अपन ने, निकाय है, यहां से निकाय को ऊष्मा दी जा रही है, मतलब निकाय यहां से निकाय को ऊष्मा दी जा रही है, मतलब निकाय की ऊष्मा में वृद्धि हो रही है, यहां से ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, मतलब निकाय की ऊष्मा में क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो ये माइनस क्यू, ये हो गया प्लस क्यू। ठीक है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। तो यहां निकाय को ऊष्मा दी गई है, तो निकाय को दी गई ऊष्मा, यहां निकाय को ऊष्मा दी जा रही है, तो निकाय को दी गई ऊष्मा, सेम वैसे ही पॉइंट है जो अपन ने आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के चिन्ह के चिन्ह में दर्शाए थे। तो निकाय को दी गई ऊष्मा इज इक्वल टू पॉजिटिव, पॉजिटिव होगी, और निष्कासित ऊष्मा जो है वो नेगेटिव होगी। निष्कासित ऊष्मा नेगेटिव होगी। ठीक है, अब यहां पे ऊष्मा का क्या हो रहा है? अवशोषण हो रहा है। यहां ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है और यहां ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। तो ये हुआ अवशोषण, क्योंकि यहां निकाय को ऊष्मा दी जा रही है, तो निकाय द्वारा ऊष्मा का अवशोषण होगा, यहां से ऊष्मा निकल रही है तो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, इस साइड ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। ठीक है, फिर अब ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, तो ये ऊष्मा शोषी प्रक्रिया हो गई, ऊष्मा शोषी प्रक्रिया हो गई, और ये हो गई ऊष्मा क्षेपी प्रक्रिया, ऊष्मा क्षेपी प्रक्रिया हो गई ये। ठीक है, ये ऊष्मा अवशोषण है, ये उत्सर्जन होगा, और यहाँ पे ऊष्मा शोषी और ये ऊष्मा क्षेपी हो गई। अब यहाँ पे निकाय को ऊष्मा दी जा रही है, तो निकाय के ताप में वृद्धि होगी, निकाय को ऊष्मा दी जा रही है तो निकाय के ताप में वृद्धि होगी यहाँ, और यहाँ निकाय के ताप में कमी होगी, यहाँ निकाय के ताप में कमी होगी, निकाय ताप में वृद्धि, यहाँ ताप में वृद्धि होगी और यहाँ ताप में क्या होगी? कमी होगी, यहाँ ताप में कमी होगी। तो ये हो गए ऊष्मा परिवर्तन के चिन्ह या ऊष्मा